हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? कैम छो, आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं सनम पटेल। शादी का मतलब क्या है भाई? शादी है क्या? शादी के मतलब क्यों बदल गए आज के ज़माने में? क्यों लोगों को शादी मतलब कहते हैं ना, श्रृंगार जो एक दुल्हन का होता था, एक दूल्हा जो कहते हैं ना, दूल्हा लगता था, दुल्हन दुल्हन लगती थी, एक दिखने में लगता था यार क्या दूल्हा है क्या दुल्हन है, वो सब आज ख़त्म होके क्या हो गया है? सिर्फ शो ऑफ, सिर्फ डिफरेंट टाइप ऑफ कहते हैं ना थिंकिंग, डिफरेंट टाइप ऑफ कहते हैं ना चीज़ों को दिखावा करना। अब शादी शादी नहीं रह के शादी के अलावा सब कुछ हो गया है। शादी एक ऐसा कहते हैं ना फल होता है जिसे कहते कभी खट्टा कभी मीठा, और कभी कभी अगर स्वाद बिगड़ जाए कड़वाहट भी आ जाती है। लेकिन शादी के मायने जो होते हैं ना लोगों ने बदल के रख दिए। शादी मतलब जो एक अच्छा कहते हैं ना समझदारी के साथ निभाने वाला एक प्यारा सा रिश्ता है, उसे अलग तरीके से लोगों ने ले लिया है। शादी मतलब आज ही कहते हैं ना, आज पूरी दुनिया को दिखाना ज्यादा जरूरी हो गया। जो क्या कहा जाता है आजकल, वेडिंग चाहिए, प्री वेडिंग, डेस्टिनेशन वेडिंग, प्री हनीमून, पोस्ट हनीमून, फोटोग्राफी, प्री पोस्ट फोटोग्राफी, मतलब डिफरेंट टाइप का सब कुछ हो गया। जो शादी का एक मायने हुआ करता था ना यार, शादी में जा रहे हैं, एक शादी है किसी की, अमीरों का तो आप छोड़ ही दीजिए, वो तो एक अलग ही मतलब, ये जो सारी चीजें है ना शादी के मतलब को कहते ना खो दिया है, खत्म कर दिया है। जो मतलब एक लगता था यार कि शादी शादी होती है, वो नहीं है, सेलिब्रेशन मतलब बस एक पार्टी लगती है। शादी का एक मायना होता है खो गया है वो। शादी एक रोमांस ही नहीं है, मतलब ये कि भाई रोमांटिक हो गए, इश्क मोहब्बत कर लिए, शादी हो गई, रोमांस चल रहा है, नहीं। शादी लोग भूल गए हैं आजकल कि एक ऐसा रिलेशनशिप है, एक ऐसा अहम रिश्ता है जो दो लोगों को जिंदगी भर के लिए जोड़ के रखता है, जीवन भर के लिए एक कहते ना मजबूत बाउंडिंग, एक मजबूत कहते हैं ना बंधन में बांध के, एक मजबूत सहारे में जोड़ के रखता है। शादी कुछ समय के बाद जो ये जो रोमांस, रोमांस रोमांटिक, बहुत रोमांटिक रोमांटिक, अरे जितने सारे खर्चे दुनिया भर के प्री वेडिंग के, प्री हनीमून, प्री फोटोग्राफी, प्री 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 जो है ना वो प्री ही रह जाता है। ये एक जो ओरिजिनल जो है ना शादी जो है, जो रोमांस कौन सी खिड़की से कौन से दरवाजे से सबसे पहले बाहर चले जाता है ना, भाग जाता है, पता भी नहीं चलता है। ये जो सारी चीजें जब करते हैं ना धतिंगबाजी, उसमें जो रिलेशनशिप है, जो मजबूती है, जो एक कहते हैं ना रिश्ते का महत्व, जिस इम्पोर्टेंस जो है ना, वो सबसे बड़ी बात है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी जिसे कहा जाता है। पूरी जिंदगी एक हमें जिम्मेदारी में बांधती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी में बांधती है। हम उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे निभाते हैं, ये पूरी एक शादी का कहते हैं ना चक्कर है भाई। ये पूरा मामला जो है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी का है, जो शादी का है। तो ये जो रिलेशनशिप को जो आप किस तरीके से आगे बढ़ाते हो, किस तरीके से आप लेते हो, किस तरीके से उस रिश्ते को निभाते हो, उस चीज को कैसे आगे लेके जाते हो, वो ये बात है। तो जब आप शादी करते हो तो आपको एक ऐसा इंसान, एक ऐसा व्यक्ति ढूंढना चाहिए जो आपके साथ हाथ से हाथ मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर जिम्मेदारी के साथ चल सके, जिम्मेदारी निभा सके, ना कि मतलब आधे रास्ते में छोड़ दे, एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी को आदर मान सम्मान के साथ निभा सके, ना कि बस ये कि बोझ समझ के यार ये तो मतलब खत्म करना ही है, साथ रहना ही है, ये तो करना ही पड़ेगा। शुरुआत की रोमांस वाली बात नहीं है, वाकई में जिम्मेदारी निभाने वाली बात है। और जहाँ इज्जत नहीं है ना, वहां पर नहीं है, जहाँ मतलब लोग समझते हैं ना कितने हैंडसम है, कितनी क्यूट है, कितनी ब्यूटीफुल है, ये सब मायने नहीं रखता, कितने पढ़े लिखे हो, कितने मतलब कितने बड़ी पोस्ट पे हो, कितना बड़ा आपका होदा है, कितना मतलब आपकी पोजीशन है, ये सब बातें मायने बिल्कुल नहीं रखती है। आपकी खूबसूरती देखिए एक ना एक दिन चल ही जाएगी, आपकी हैंडसमनेस कहते ना एक दिन चली जाएगी, लेकिन जो आप जिम्मेदार कितने हो, आप रिश्ते को कैसे निभाते हो, कितनी जिम्मेदारी से मतलब आप अपने बंदे या बंदी को परख, तो ये मायने रखता है। मतलब कंफर्ट में देखिए, कम से कम कंफर्ट में आप ज्यादा से ज्यादा समझदारी के साथ रिश्ता निभाने जानते हो, खुश रहना जानते हो, जिम्मेदारी निभाना जानते हो, तो फिर आपका जो ये सफर है ना, जिसे रोमांस कहते हैं ना, जो शुरुआत में समझते हो, ये जिंदगी भर के लिए रोमांटिक रहेगा, जिंदगी भर के लिए प्यार और रोमांस और प्रेम से भरा हुआ रहेगा। अगर आपके अंदर ये क्वालिटी है, क्योंकि आपको पता है कि रिश्ता कैसे निभाया जाता है, कम से कम चीजों में कैसे खुश रहा जाता है, और कैसे अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाया जाता है, प्यार से निभाया जाता है, ना कि बोझ समझ के निभाया जाता है, और अपने पार्टनर की कैसे रिस्पेक्ट की जाती है, इज्जत दी जाती है। तो बेसिकली शादी का मतलब जो होता है रिश्ते को निभाना, उसे प्यार के साथ टैकल करना, हैंडल करना, चाहे किसी भी सिचुएशन में क्यों ना हो, एक दूसरे की कहते हैं ना हाथ नहीं छोड़ना, साथ नहीं छोड़ना, एक दूसरे को कहते हैं ना सम्मान देना, समझ के आगे बढ़ना, चाहे कम है तो भी उस चीज में कहते हैं ना मान देना।
और बहुत ज्यादा चीजें हैं तो हर कोई खुश रहना तो जानता ही है। ये होता है रियल शादी का मतलब, ना कि कोई दिखावा, बस दुनिया भर की प्री वेडिंग कर रहे हैं, ये कर रहे हो, 1000 सेलिब्रेशन रखो। सेलिब्रेशन तब बनता है जब एक परफेक्ट व्यक्ति एक परफेक्ट व्यक्ति के साथ जुड़ता है और मिलता है और अपनी जिम्मेदारी को निभाता है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागता नहीं है और पूरी जिंदगी एक ही के साथ जीता है, गुजारता नहीं है, जीता है। तब प्यार और रोमांस, कहते ना प्रेम से भरपूर जिंदगी गुजरती है और जाती है, बीतती है, और रोमांटिक वो जो है ना लाइफ जो है खिड़की और दरवाजे से भागती नहीं है। तो जब भी शादी करनी तो एक ऐसा व्यक्ति ढूंढे जो जिम्मेदारी निभा सके, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सके और उससे भागे नहीं, और किसी भी सर्कमटेंसेस में किसी भी हालत में आपका साथ ना छोड़े, आपका हाथ ना छोड़े, तब रोमांस की बात बनती है, तब रोमांटिक लाइफ बनती है, राइट? ये होता है रियल शादी का मतलब। हमें अपनी शादी के मतलब को बदलना नहीं है यार, शादी को दुनिया के दिखावे के लिए 10,000 चीजें नहीं करके रियल लव, रियल मैन, रियल वुमन ढूंढना है। ये नहीं कि बस बस फालतू की चीजों में लगे पड़े हैं, बस डेस्टिनेशन वेडिंग करनी है, प्री वेडिंग करनी है, प्री ये करना है, डेस्टिनेशन वो करना है। देखिए आपके पास चीजें हैं, 100% आप कीजिए, लेकिन एक आप जिम्मेदार व्यक्ति को देखिए, आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने वाले व्यक्ति को देखिए। ये फालतू की चीजें आप करते रहोगे, दुनिया आएगी, खाएगी, पिएगी, चली जाएगी। और एक बात तो आप सब ये मानते ही होंगे, आप चाहे हजारों करोड़ों का खाना रख लो, उसमें भी खामी निकाल के जाएंगे लोग। लोग कभी अच्छा बोल के नहीं जाएंगे, आपके पीठ पीछे बुरा ही बोलेंगे। तो जिंदगी आपको निकालनी है आपके पार्टनर के साथ, आपको जीना है उसके साथ, पूरी लाइफ आपको खुश रहना है, तो वो व्यक्ति आपको ढूंढना है, उसके साथ मेल करके, एक दूसरे की सहमति के साथ, एक दूसरे के मान सम्मान को ध्यान में रखते हुए, एक दूसरे के परिवार को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। रियल लाइफ में मैरिज का मतलब ही ये होता है, ये नहीं होता है जो आजकल चल रहा है, ठीक है? तो आपको मेरी बात अच्छी लगी, पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। और जैसे मैं आखिर में अंत में कहती हूँ, मैं दिल से चाहती हूँ आप खुश रहें, अपनों को खुश रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें। थैंक यू वेरी मच।